हेलो 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 गाइस, व्हाट्स अप व्हाट्स अप। एक और नया एपिसोड वेयर इन द पोकर इनसाइड आउट सीरीज। एंड भाई आज अपने साथ यंग गाय हु जस्ट ग्रेजुएटेड, वेरी थोड़े टाइम पहले ही ग्रेजुएट किया है फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। ही इज डन इज इंजीनियरिंग। बंदे ने मचा रखा है इन द पोकर सीन एज वेल। मैं रिसर्च जो कर रहा था भाई, मेरे को पता ना अगर गलत है, 200+ टाइटल्स है कुछ। एंड आई मीन प्रीटी फैंसी स्टफ। एंड टुडे इज डूइंग समथिंग आउटसाइड हिज कंफर्ट जोन। नॉट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल कि भाई मैं आके बात करूंगा कंटेंट का, बट वेरी हैप्पी, थैंकफुल, थैंक यू सो मच सत्यम भाई फॉर टेकिंग टाइम आउट मैन। अप्रिशिएट इट। एंड होपफुली इट्स जस्ट मैंने उनको बोला था कि इट्स हाँ इंटरेस्टिंग कि कोई आईआईटी बॉम्बे से आके पोकर खेल रहा है, वो स्टोरी अच्छी रहेगी इफ वी कैन टॉक अबाउट इट। एंड ही अग्रीड। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी पार्थ। कैसा चल रही है सर आई भाई, पोकर कैसा चल रहा है वो बताओ यार। पोकर तो चल रहा है भाई, अच्छा ही चल रहा है। अभी आईवी चल रहा है। ये वो बंदा है जो कल एक एफटी मार गया है, सेकंड फिनिश किया है। मैं रिसेंटली देख रहा हूँ मनी मेकर में मचा रहे हैं। मतलब मैं ना पोकर ग्रुप से स्कोर्स देख रहा था तो मैंने बोला यार, फिर मैंने सोचा नेक्स्ट लास्ट स्कोर की ढूंढूंगा मैं। फिर मैं जाते जाते देखा, मैंने बोला ये तो इधर ही मुझे सब कुछ दिख गया, मतलब फर्स्ट लाइक फर्स्ट कॉलम में। तो सही है भाई, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट के लिए। मेरे को ये बताओ सत्यम भाई, व्हाट वाज द फर्स्ट पोकर गेम यू प्लेड? कब खेला था फर्स्ट पोकर गेम एंड क्या एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम जब खेला था एक कोई भी गेम? हाँ, लाइव ऑनलाइन जो भी। हाँ, तो पहली बार सबसे जो पहला मेरा एक्सपीरियंस था वो मेरा कॉलेज में था। वैसे कॉलेज में हमारा कॉलेज में आई थिंक हॉस्टल फेस्ट होते थे, तो हॉस्टल फेस्ट में दे विल ऑर्गेनाइज पोकर गेम्स। सो वहां से सबसे पहला फर्स्ट ईयर में मैंने एक्सपीरियंस किया था, बट वहां से कैचअप नहीं किया। वहां पे मैं पहली बार खेला था। अच्छा हाँ तो अच्छा वो किया नहीं बाद में, उसके बाद छोड़ दिया था, उसके वजह से वो नहीं किया था कि अब उसके बाद चालू हो गया सीधा, अभी नहीं तक नहीं अभी उसके नहीं। बाद खेलना चालू नहीं किया। बस आई नो द रूल्स कि कैसे खेलते अच्छा हैं क्या अच्छा है। अच्छा 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 हाँ, वो मैंने कैचअप किया था कोविड में, मेरे थर्ड ईयर में, जब मैं अच्छा थर्ड ईयर में था तब मैंने किया था। अरे नाइस नाइस ओके। तो ये कभी रियलाइज हुआ? तो ये फर्स्ट तो तभी फर्स्ट ईयर में खेला, कि ये रियलाइज कब हुआ कि यार पोकर है, मतलब मैं ये एक्चुअली कर सकता हूँ और करना चाहता हूँ, वो कब? थर्ड ईयर में हुआ था? थर्ड ईयर में मैंने खेलना स्टार्ट किया था। फिर थर्ड ईयर में थोड़ा ग्राइंड किया, थोड़ा और समझा। थर्ड ईयर में कोविड था, ज्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, घर पे पड़े रहते थे। सो फिर मैंने खेला। सबसे पहले मैंने स्टार्स पे खेलना चालू किया, कैश गेम से चालू किया। 3 4 महीने मैंने बहुत लो स्टेक्स खेला, 0.2 0.4, ये MPL पे होते थे ये सारे गेम्स, कैश गेम्स। तो वो खेला मैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फिर मैंने डिसाइड किया 3 महीने बाद, ये बात है 2021 की बात है, अराउंड नवंबर की या अक्टूबर नवंबर की, वाओ देन आई डिपोजिटेड 5K ऑन बाजी। और फिर वहां से मैंने टूर्नामेंट्स खेलना स्टार्ट किया। और हाँ, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे मैं खेलता था फाइव के 5K से बैंक रोल स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके 20K के आसपास हुआ। फिर उसके बाद 569 पोकर, आपको पता होगा, अच्छा मैं उनकी स्ट्रीम मेरे रिकमेंड हुई, मैंने देखा तो ही इज प्लेइंग 1100 टूर्नामेंट। एंड देन आई मैंने रजिस्टर किया उसके लिए और आई एंडेड अप शिपिंग इट। वो ही वाला उस लाइक वॉचिंग हिम स्ट्रीम यू या रजिस्टर्ड, या क्या बात कर रहे हो, वाह। हाँ हाँ, और ये हुआ था। और फिर उसके बाद थोड़ा बैंक रोल बना, उसके बाद फिर मैंने अपना पहला एंडेवर खेला और लकीली वो भी शिप किया, हेड्स अप डील ली थी उसमें। सो ये था कि मैं काफी लकी था इनिशियली कि इन 1 डेढ़ महीने के अंदर आई हैव अराउंड 5 लाख रुपीज इन फ्रॉम 5K। ओ। सो वहां से थोड़ा मोटिवेशन आया। और और ये हाँ ड्यूरिंग कि अभी भी आईआईटी में हो और थर्ड ईयर में हो, कोविड में घर पे हो और ये सब हो हाँ गया पहले 1.5 साल हाँ महीने में। हाँ भाई ये यू हो मस्ट बी गया था। थिंकिंग कि मतलब मेरे को तो दूसरी चाबी मिल गई है सक्सेस की, ये क्या हो रहा है, मतलब ये चीज है। बट एक हाँ रैंडम तुक्का था कि बिकॉज यू आर नॉट स्टडीड बाय देन राइट, कुछ पढ़ाई वढ़ाई तो की नहीं थी आपने पोकर की थी तभी? नहीं, पढ़ाई नहीं की थी, बस वो ही वीडियोस देखना ऑनलाइन। और श्योर। हाँ, उससे पहले 5K डिपॉजिट करने से पहले आई प्लेड 3 मंथ्स श्योर कैश हाँ यू सेड गेम्स। दैट या। हाँ, तो थोड़ा वो जाना। बाकी हाँ, बाकी मेरे ऐसा था कि कोविड के टाइम पे मुझे
पढ़ाई करता था, प्लस मुझे ऐसा था कि मुझे साइड में कुछ करना है, इंटरेस्ट है, सो मैं कुछ ना कुछ मतलब करता रहता था। जैसे मैं पहले सबसे पहले मैं बीजीएमआई, आप पबजी सीखना है ना, ऑफ पबजी कोर्स मैंने काफी खेला है, एज अ प्रोफेशनल भी खेला है ई स्पोर्ट्स में, बट ज्यादा नहीं खेला, वाओ मतलब हाँ ओ मतलब ईस्पोर्ट्स खेला है, प्रोफेशनली खेला है हाँ मतलब अराउंड 6-7 मंथ के लिए अच्छे से खेला है काफी, नाइस हाँ PMIT वगैरह, ये इसके क्वालिफिकेशंस हुए थे दोस्तों के साथ, तो मतलब ऐसे थोड़ा मेरा ऐसा साइड में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। फिर उसके बाद मैंने फिर स्टॉक मार्केट किया था थोड़ा, तो मतलब ये था कि मेरे में चुल थी कि कुछ ना कुछ नया बट भाई यू करना आर है वेरी करना यंग यार, मतलब 21 में तो आप 20 साल के थे तो तभी ये सब मस्ती चल रही थी। हाँ मतलब मुझे ऐसा था कि थोड़ा मुझे इंडिपेंडेंट होना है कैसे भी श्योर करके, श्योर मैं मुझे ये था कि हाँ मुझे अपना खर्चा खुद निकालना है, ज्यादा मैं मतलब बीटी नहीं देना चाहता था घर वालों को इस नाइस मामले में, तो ऐसा था। तो हाँ फिर मैन। मैं आपकी आगे की स्टोरी समझू उसके पहले मेरे को ये बताओ, कोविड के टाइम जब आप घर पे बैठ के 3 3 महीने पोकर खेल रहे हो तो घर का क्या सीन था? कोई कुछ बोल नहीं रहा था कि ठीक है बच्चा IIT में कोई प्रॉब्लम नहीं है खेलने दो, ऐसा सीन था कि क्या सीन था? हाँ मतलब घर वाले ज्यादा मतलब ज्यादा देखते नहीं थे क्या कर रहा है, मतलब अच्छा ठीक है उनको पता था कि अपना मतलब करता रहता है, उन्होंने कभी रोका नहीं किसी भी चीज करने से, स्टॉक मार्केट में भी मैंने इन्वेस्ट किया था, मैंने घर से ही किया था ओके मतलब स्टार्टिंग में, मतलब मेरे मतलब घर वालों ने हेल्प की थी, बोला कि हाँ ठीक है ट्राई कर रहा है करने देते हैं क्या है, तो नाइस। इस मामले में मैं थोड़ा लकी हूँ कि घर वाले थोड़े सपोर्टिव हैं। IIT में कैसे घुसे यार? मतलब वो स्टोरी, मतलब आई नो पढ़ाई की है बट व्हाट आई हाँ मीन इज IIT का इंक्लिनेशन कहाँ से आया? ऑफ कोर्स यू आर फ्रॉम राजस्थान, वहां कई या सुपर स्मार्ट पीपल एंड लॉट ऑफ पीपल गो टू IIT देयर। वी गॉट लॉट ऑफ हाँ फाउंडर्स आल्सो अलवर से सब जगह से। सो आपका क्या स्टोरी था, हाउ डिड यू मैनेज टू क्या था, बहुत पढ़ाई की थी, कैसा सीन था? मतलब मैंने 10th तक तो आई मतलब मैं अपने होम टाउन में ही रहा पढ़ा हूँ, बट यहाँ पे IITs के लिए इतने अच्छे कोचिंग्स नहीं है हाँ ना, सो उसके बाद ऐसा था कि मेरा जो बड़ा भाई था, मेरा खास बड़ा भाई, ही गोस सीकर गया था वो पढ़ने के लिए, एंड उसने अपने मतलब सीकर गया था पढ़ने के लिए, एंड उसने वहां कोचिंग की और वहां से उसका सिलेक्शन हो गया IIT कानपुर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग से। वाह हाँ सो तो मतलब फिर घर वालों को भी था कि अब बड़े भाई का हो गया तो इसका भी कुछ करते हैं, तो मैं फिर मेरा मेरा मन था कि कहीं और कोचिंग करने के लिए, क्योंकि सीकर में ये था कि हाँ सिलेक्शन हो जाता था बट रैंक्स का इशू रहता था कि रैंक इतनी अच्छी नहीं आई, उससे पहले मैं काफी काफी मतलब ऐसा था, खेलने वाला भी लड़का था, मैं हॉकी भी काफी खेला हूँ अपने स्कूल टाइम पे, हाँ नाइस हॉकी काफी खेला हूँ, काफी खेलता था, काफी मस्ती वगैरह करता था। फिर उसके बाद मैं 9th फिर मैं सॉरी 10th के बाद मैं 11th में 11th और 12th मैंने सीकर से की प्लस कोचिंग के साथ। ओके हाँ सो वहां सीकर में एक एकेडमी थी, प्रिंस PCP नाम था, प्रिंस कैरियर पियोनियर नाम से ओके थी, हाँ सीकर्स में है वैसे ये कोचिंग्स हैं काफी राजस्थान, सीकर राजस्थान में, और वहां से फिर मैंने अपना क्या कहते हैं 11th 12th की, और वहां मैं काफी पढ़ा, 9th 10th में मैं पढ़ता था बट ये था कि हाँ मस्ती भी चल रही है पढ़ाई भी चल रही है, बट वहां मैं इलेवन सीरियसली ट्वेल्थ सीरियसली काफी किया। हाँ काफी अच्छे से पढ़ा, कोचिंग्स थी मतलब 11th 12th से ज्यादा तो मोस्टली कोचिंग का ही ज्यादा पढ़ाते थे, सो हाँ वो किया काफी। फिर उसके बाद 12th के साथ ही 2 अटेम्प्ट होते हैं पीसी, मतलब उस टाइम पे हमारे पास 2 ही अटेम्प्ट होते थे विद 12th, और उसके बाद 1 साल का ड्रॉप, हाँ सो लकीली मेरा 12th के साथ हुआ वहां से, देन मैं IIT में पहुंचा। IIT सो बॉम्बे, या यू चोज बॉम्बे एंड केमिकल इंजीनियरिंग? हाँ मतलब ऐसा था कि मेरी रैंक आई थी इतनी अच्छी भी नहीं आई थी बट हाँ आई थी, डिसेंट रैंक थी, सो आई हैव टू चूज, तो ऐसा होता है कि या तो आपको अच्छी ब्रांच मिलेगी या तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो मैंने कंसल्ट किया था अपने जो भी फेलो जो PCP में जो जो क्या कहते हैं जो सीनियर्स वेंगे सेलेक्ट पास हो सीनियर्स जाएंगे। थे, हाँ जो हाँ पास आउट थे, सो उन्होंने यही बोला कि बेटर टू चूज कॉलेज देन ब्रांच, मतलब मेरा भी मन था कि मतलब बस इंजीनियर मतलब वो करना है क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या क्या श्योर, कहते बिकॉज हैं, कंप्यूटर साइंस सब लोग वही पहले प्रेफर हाँ करते सॉरी हैं। कंप्यूटर साइंस करना है, हाँ
हाँ ये एडिट मैं भाई करके मैं भी डाल साइंस हूँ सकता भाई, मैं भी 10th के बाद साइंस लिया था, बाद में मैंने क्विट कर दिया, तो मैंने बोला मेरे से हाँ नहीं होने वाला है। हाउ वाज द होल, हाउ वाज द वाइब एट आईआईटी, कैसा था पूरा, लाइक विद द पीपल देयर क्या वाइब था पूरा, और सब लोग, आई मीन व्हाट लाइक एट आईआईटी बॉम्बे क्या था, एंड व्हाट डिड दैट लीड टू, पोकर कैसे हुआ वहाँ, यू सेड फेस्टिवल में हुआ, बट बाकी के लोग का कैसा वाइब था उसके अराउंड? बहुत अच्छा वाइब था। लाइक वहां पे आप कुछ भी, मतलब वहां पे लाइक आप जाते हो इतने अच्छे कॉलेज में, तो आपको वहां पे एक्सपोजर बहुत मिलता है, आपको नई नई चीजों से एक्सपोजर मिलता है, एंड आप जो चीज करना चाहते हो वो अच्छे से कर सकते हो। और काफी चिल माहौल रहता है, लाइक इवन दो लाइक फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में अटेंडेंस भी ऐसा नहीं है कि बहुत कंपलसरी रहती है, कुछ कुछ कोर्सेज में रहती हैं, कुछ कुछ कोर्सेज में नहीं रहती। और हाँ मतलब और तो अच्छा ही है, लाइक स्पोर्ट्स भी सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, सारे जो तुम करना चाहते हो वो सब मतलब मोस्टली तो अवेलेबल ही है। बहुत अच्छा माहौल रहता है, दोस्त भी हैं काफी वहां से, लाइक तो बहुत सही रहता है। नाइस, स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं रहता कि अपन क्या कर रहे हैं, जो श्योर, एक नॉर्मल कॉलेज ही लगती है मतलब आपको, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बट स्टार्टिंग में तो हाँ बहुत बकचोदी चलती है बिल्कुल। या आई कैन इमेजिन मैन, बट मेरे को ये बताओ, सो इफ वी ट्रांसफर टू थर्ड ईयर, ठीक है, जब आप हाँ पोकर सीरियसली खेलने लगे, कोविड में सब अपने अपने घर पे है, तो ये भाई 4 लाख 5 लाख स्कोर्स आना, एंडेवर जीतना, जो लोग नए होंगे जो देख रहे होंगे उनको पता नहीं, इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाट 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 इज द वैल्यू ऑफ एंडेवर दैट टाइम, 20 लाख का होगा आई गेस एंडेवर तभी। हाँ आई मतलब आई गॉट अराउंड 2.3 2.78 लाइक That's अराउंड। correct. So, ये जब numbers आ रहे थे, तो what was the story? मतलब I'm sure you were sharing it with your friends, और वो लोग देख रहे को, सब लोग poker तो खेल नहीं रहे, तो वो लोग crazy हो रहे हैं, because a 19-year-old, if he is 18-19-year-old making that kind of money, it's game changing, it's a lot of money. तो वो यस टाइम यस पे रिएक्शन क्या था, एंड व्हाट वर पीपल कॉलिंग इट, कि भाई तू तो गैम्बलिंग में पड़ गया है, सट्टे में पड़ गया है, कि माइंडलेस काम कर रहा है, कि क्या था वो टाइम पे? हाँ हाँ उस टाइम पे वैसे मैंने ज्यादा दोस्तों को बताया नहीं था, लाइक घर पे अच्छा बताया था, तो घर वालों का तो यही था कि ठीक है अच्छा। और मेरे लिए तो यार मतलब एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए 2,000 भी बहुत बड़ी चीज होती है, 5 लाख श्योर तो बहुत बड़ी बात है। बजाई, सो हाँ घर वालों को बताया था, फिर तो घर वाले बोल रहे बढ़िया है ये तो ठीक है, बाकी पढ़ाई वढ़ाई भी करता रहे, अभी जरूरत नहीं है। हाँ और फिर मैं थोड़ा बहुत फिर ऐसा था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ये भी करता था, लाइक पोकर भी खेलता था रेगुलरली। हाँ फिर लाइक वो 2 महीने का अपस्विंग आया था, तो मतलब सब कुछ अच्छा था, फिर ऐसा लगता था भाई अपन तो बहुत अच्छे प्लेयर है, और किसी से कोई बात नहीं, कोई प्रोफेशनल से बात नहीं की, अकेले अपने लगे हैं खेल रहे हैं सब, हाँ और ऐसे सोचते थे कि अपन तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आईआईटी अपन से तो अच्छा कोई नहीं है। क्या ये हुआ है? होता हाँ है। हाँ हाँ ये हुआ था मेरे साथ तब। फिर उसके बाद लाइक 2 महीने के बाद, फिर जनवरी से लेके मैं 1 साल खेला, और 1 साल के अंदर मेरा लॉस था 1.5 लाख। हाँ सो फिर वहां मैंने एक्सपीरियंस किया कि यार इतना इजी भी नहीं है हाँ ना। वो तो फिर बाद में अभी रियलाइज होता है कि हाँ थोड़ा लकी तो थे इसीलिए इतने स्कोर्स लगे। फिर 1.5 साल मतलब 1 साल तक फिर मैं कोई स्कोर नहीं आया, मैं खेलता था काफी खेलता था, लाइक दिन महीने में मतलब लाइक 15 दिन तो खेलता ही था। श्योर सो फिर स्कोर्स नहीं लगे, तो फिर ऐसा लगता था कि यार क्या कुछ तो गलत कर रहा हूँ, कुछ तो सीखना है क्या है। बट स्टिल हाँ बट फिर भी मैं मतलब वीडियोस वगैरह देखता था ऑनलाइन, जो भी फ्री कंटेंट मिलता था, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करता था। हाँ तो फिर थोड़ा टफ टफ फेस था वो। ओ दैट इज आफ्टर 1 ईयर आफ्टर गेटिंग दिस स्कोर, 1 साल तक ऐसा पीरियड था, राइट? दैट्स व्हाट यू आर हाँ सेइंग? 1 साल तक हाँ 1.5 लाख का डाउनसिंग था, सो वो थोड़ा टफ था मेरे लिए काफी हैंडल करना। तो फिर वहां पे मैंने पहला अपना जो पहला डाउनसिंग होता है वो एक्सपीरियंस किया, और डाउनसिंग स्पोकर में बहुत बहुत कुछ सिखाते हैं, अपस्विंग्स तो आते हैं लेकिन डाउनसिंग ज्यादा सिखाते हैं अपस्विंग्स तो। नाइस, वी विल कम टू दिस डाउनस्विंग पार्ट, आई एम इंटरेस्टिंग टू नो दैट, बट मुझे ये बताओ, आप अभी 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग हो, जब आपका ग्रेजुएशन टाइम है, तो प्लेसमेंट्स भी तभी कंसिडर हो रही होगी, तब प्लेसमेंट्स भी आ हाँ रही होगी, देयर इज अ गुड सैलरी व्हिच कम्स आउट, डिफरेंट 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 डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स अकॉर्डिंगली हैव डिफरेंट सैलरीज, हाँ तब क्या था वो डिसीजन कि मैं जॉब नहीं लूं और मैं पोकर में चले जाऊं, लाइक वॉज दैट अ क्वेश्चन, वो कैसे डिसीजन पे आए थे आप?
देखो सबसे पहले तो मेरे को बहुत पैशन पैशन तो काफी था खेलने का, मुझे खेलना है खेलना है, इवन हाँ दो बट ये सब मैं कुछ पढ़ाई बिना है राइट, ये तो ऐसे ही पैशन, मतलब मुझे हाँ मजा आ रहा है, बस मजा आ रहा है, बस वो ये पैशन हो तो गया ना, वो मजे मजे सबको में आता है था अपने कि को। हाँ 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 ये कुछ नहीं, मतलब मुझे खेलना है, मुझे हाँ मतलब जॉब का ऐसा था कि हाँ मुझे मेरी जॉब लग जाएगी, डिसेंट प्लेसमेंट हो जाएगा, और एवरेज प्लेसमेंट अराउंड लाइक मेरे डिपार्टमेंट में केमिकल में अराउंड 18 लाख के अराउंड था। सो वो भी था, बट स्टिल फिर मतलब मुझे ये था कि हाँ नहीं, लेकिन मुझे पोकर कंटिन्यू करना है। और मैंने फिर मैंने देखा कि लाइक स्टेबल्स होते हैं, फिर मैंने स्टेबल्स में अप्लाई किया है ना, तो वहां थोड़ा वॉल्यूम का इश्यू आ रहा था कि मेरा इतना वॉल्यूम नहीं था। श्योर मैंने बीच बीच में जो 1 साल का जो फेस था उसमें बीच बीच में अप्लाई किया था, लाइक पोकर ओके पीजी में गया था और एक दो स्टेबल्स और थे। देन उसके बाद मेरा फिर एक अपस्विंग आया, फिर उसके बाद मैंने फिर मैंने कांटेक्ट किया अनुज से। तो अनुज से कांटेक्ट किया कि मैं अभी मतलब IIT में पढ़ता हूँ ये वो, मतलब मैंने डायरेक्ट मैसेज किया, उन्होंने फॉर्म दिया था वैसे अपने स्टेबल हाँ का। हाँ 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 डिस्कॉर्ड पे हाँ था। हाँ तो मैंने डायरेक्ट मैसेज ही कर दिया, मैं जब पहचानता तो था नहीं, हाँ तो फिर उन्होंने तुरंत रिप्लाई किया और उन्होंने बोला कि 1-2 दिन में तुम्हारे लिए मतलब इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद देखते हैं। सो हाँ, सो ये मेरी, तो फिर वहां से मुझे एक सिक्योरिटी मिलेगी हाँ कि मैं अभी ये कुछ कर भी कर सकता सकता हूँ। हूँ। हाँ हाँ सो फिर मैंने वहां पे थोड़े प्लेस अपना जो प्लेसमेंट था वो गिव अप किया, उसकी प्रिपरेशन गिव अप की है ना, कि मतलब कर सकता था बट ये था कि मुझे ज्यादा इंटरेस्ट इसमें था, मेरे को बहुत करेक्ट पैशनेट था। वैसे तो अगर मेरे से पूछो अभी तो ये काफी फुलिश मूव था उस टाइम तो, क्योंकि आई डोंट नो कि मैं कितना अच्छा हूँ है ना। श्योर हाँ सो उस टाइम तो लाइक बहुत ही फुलिश मूव था मैं बोलूंगा, बट स्टिल वर्क इट आउट फॉर मी ये तो। या बिकॉज देर आर टू मेनी थिंग्स राइट, मतलब आप IIT से निकलते हो तो एक तो मास्टर्स होता है कि मैं US चला जाता हूँ, वो एक ऑप्शन होता है आपके पास, बिकॉज यू ऑलरेडी हैड अ ब्रदर हु वाज एरोस्पेस इंजीनियर, या तो वो अब्रॉड थे, वो अब्रॉड थे। अच्छा नहीं, मतलब वो अब्रॉड तो नहीं गए बट इन्होंने ट्राई किया था, लाइक वो अभी लाइक अभी तो एमटेक कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा ओके, हाँ सो यू तो हैड एमटेक समवन कर टू रहे हैं लुक फिर। अप टू। हाँ यू हैड हाँ समवन टू लुक अप टू, स्टार्टअप कर सकते हो। IIT के बाद यू नो लॉट ऑफ पीपल डिसाइड टू या स्टार्टअप, ये हो सकता है, आई एम श्योर वो कल्चर भी होगा एंटरप्रेन्योरशिप का इन IIT। हाँ या तो उसके टाइम पे आपने ये कॉल लिया, विच इज ऑफ कोर्स लाइक अ वेरी डिफरेंट मूव। ये इज इट बिकॉज ऑल्सो हाई प्रेशर ऑफ IIT मेक्स यू फील कि यार मैं कभी ऐसे आड़े वेड़े साइड वाले कौन ये ऐसे करियर चूज करूं जो यो सब लोग यूज नहीं करते, ऐसा होता है कभी बिकॉज ऑफ नहीं, IIT का? ऐसा नहीं नहीं होता मतलब, बट ये होता है कि क्या कहते हैं ITians लाइक ये चीज होती है कि कुछ भी हो कर लेंगे, लाइक अगर प्लेसमेंट या में भी है तो एट द एंड मतलब कुछ भी हो लाइक अपन अपना प्लेसमेंट निकाल लेंगे या फिर कुछ भी कर लेंगे। बट हाँ मेरा कभी इंटरेस्ट था नहीं, मेरा ज्यादातर टाइम अपना लाइक कॉलेज में था जो मैंने पुकर को दिया था है ना, हाँ तो इतनी लाइक हाँ मैं मतलब ऐसे क्या कहते हैं इंटर IIT भी खेला था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, बट उसके अलावा ज्यादा कुछ किया नहीं था इंटर IITs के अंदर। और कोविड के टाइम को डेढ़ अपना 1.5-2 साल तो कोविड में गया था, पूरे 4 सेमेस्टर बोल सकते हो आप। सो फिर मेरा मतलब वही था कि हाँ मेरे लिए तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन जॉब से अच्छा यही होगा। व्हाट डू यू थिंक मेक्स यू और IITians एक्सेल एट पोकर? बिकॉज वी सीन अ लॉट ऑफ IITians वाले, अपन ने भी नाम डिस्कस किए थे, आपने भी मुझे बोला हाँ था, उज्जवल इज देयर, अमित कौशिक, सो मेनी, सनत इज देयर, लॉट ऑफ दीज गाइज आर फ्रॉम हाँ IIT। व्हाई डू यू थिंक, व्हाट मेक्स IITians एक्सेल एट पोकर? पहला आई थिंक पहले बोलूंगा कि लाइक मैथमेटिकली काफी साउंड्स होते हैं और गेम भी काफी मैथमेटिकल होता है। दूसरा आई गेस कि काफी जिद होती है कुछ करने की, लाइक कॉम्पिटिटिव है गेम, या और JEE भी काफी कॉम्पिटिटिव होता है और काफी अपन ने काफी स्ट्रगल किया होता है अपनी JEE प्रिपरेशन में, जिससे अपने को थोड़ा लाइक ये है कि हाँ धक्के खाने की आदत होती है कि अगर पोकर में ठीक है 1 बार नहीं हुआ 2 बार नहीं हुआ तो खींच ट्राई करते लेंगे। रहेंगे। कि लाइक मेंटली चैलेंजिंग था, और मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती है लाइक वो मैनेज करना जरूरी है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि अपन बटन क्लिक कर रहे हैं पैसा बन रहा है, बहुत उससे ज्यादा काफी मेंटली काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है व्हेन लाइक तुम 10 मतलब 4-2 महीने ग्राइंड कर रहे हो, 3 महीने ग्राइंड कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। उस टाइम पे
काफी वीक फील होता है, काफी लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डाउट भी आता है कि क्या मैं गुड इनफ हूँ कि नहीं लाइक वो करने के लिए। सो एक वो चीज है जो मतलब मैंने सीखी है उसको ओवरकम करना। काफी थोड़ा टाइम लगा, लाइक मैं अभी 3 4 महीने अपने डांसिंग में था अभी लाइक रिसेंटली, सो आई रियलाइज दिस थिंग। और काफी थोड़ा मेंटली भी इतना चैलेंजिंग हो गया था मेरे लिए, तो हाँ एक तो ये चीज है कि उसको ओवरकम करना। और लाइफ में मतलब पोकर खेलने के बाद चीजें थोड़ी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है कि ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बड़ी बड़ी चीजें देखी है लाइफ में। सो वो होता है पोकर में। हाँ स्विंग्स ऑफ लाइफ इजी हो जाती है, स्विंग्स ऑफ लाइफ आप ले सकते हो. ये कह आई सकते एग्री, आई हो। एग्री. और राइट, एब्सोल्युटली राइट, सही है, परफेक्ट. बिफोर वी एंड द आईआईटी पार्ट, मुझे ये पूछना था कि दीज ऑल आईआईटीएंस हु यू स्टडी विथ और यू टॉक टू, बी उज्जवल, कबीर आपने मेंशन किया था, अमित कहा था, व्हाट डू दे डू? इज इट लाइक आईआईटी आईआईटीएंस हेल्प करते एक दूसरे को, या इज इट जस्ट नेचुरल, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है लाइक सब अपनी मतलब हेल्प करते हैं, सब सबको मतलब मोस्टली अपन थ्योरी पढ़ते हैं तो करेक्ट. सबको थ्योरी का मतलब थ्योरी में काफी हेल्प करते हैं। और मेरी काफी बात होती है अमित से काफी सेशंस भी होते हैं उनके साथ। सो हाँ सो उनके और ऐसे मतलब कबीर मेरे सीनियर ही हैं, 2 साल सीनियर हैं वो। मुझे बाद में पता चला था आफ्टर अच्छा, ग्रेजुएशन के हाँ कि मेरा आईटी से भी काफी प्रोफेशनल्स हैं जो खेल रहे हैं, क्योंकि मैं या काफी आइसोलेटेड रहता था अपने श्योर. इसमें। डू हैज एनीवन फ्रॉम आईआईटी रीच्ड आउट टू यू कि अब मुझे भी पोकर परस्यू करना है? वो हो रहा है कि कोई करंट बैच से है, ऐसा कुछ, ऐसा कभी हुआ है? हाँ हुआ है? ओ ऐसा वाह, लाइक हुआ है, मतलब ऐसा ही लाइक मतलब मेरे साथ के हैं ही, मतलब जैसे मेरे से 1 साल जूनियर है और कुछ हैं जो मतलब पार्ट टाइम खेलते हैं तो उनको कुछ डाउट होता है तो दे आस्क मी, है ना। और एक दो जूनियर्स ने रीच भी किया है, दे ऑल्सो प्लेड मतलब ऑनलाइन। सो हाँ बट वही है कि हाँ कि प्रोफेशनली करना इट्स नॉट लाइक इजी फॉर एवरीवन। और आई थिंक इतना इतना प्लस ईवी भी नहीं है लाइफ के लिए, अगर मैं बोलूंगा कि मतलब एज एन आईटीएन की पोकर को प्रोफेशनली करना, सेमी प्रोफेशनली या फिर जस्ट फॉर और मतलब फन के लिए, तो आई थिंक वो चीज ज्यादा ठीक है। लेट्स मूव अवे फ्रॉम आईआईटी एंड सीइंग स्किल्स दैट यू एज एन इंडिविजुअल, आपको कौन सी दूसरी बिसाइड्स पोकर, व्हाट आर द स्किल्स दैट यू आर लुकिंग एट बिल्डिंग ऑन अभी राइट नाउ? जैसे आपने कहा कि मुझे दूसरी चीजें भी करनी पसंद है, अब कुछ ऐसा है जो आपने जैसे सैक्रिफाइस किया? यू सेड फिजिकल, मेंटल, व्हाट एवर यू सेड, सोशल, व्हाट आर अदर स्किल्स दैट यू आर गोइंग टू बी वर्किंग ऑन? सो बेसिकली लाइक पहली चीज तो आई गेन अ वेट अलॉट, लाइक इन माय फर्स्ट ईयर आई हैव अराउंड 62 kg। अभी मेरा जो वेट है वो लाइक 82 है, अच्छा, सो काफी काफी गेन किया है, सो उस पे वर्क करना है। और सेकेंडली लाइक सोशली लाइक लोगों से मिलना वो बहुत कम हो गया मेरा बिकॉज ओके, ऑफ पोकर, लाइक 1.5 साल काफी। और मतलब अब तो ऐसा भी होता है कि किसी का दोस्त का फोन आ रहा है तो भी हाँ ऐसा लगता है कि यार अभी थोड़ी देर में बात कर लेंगे इससे। हाँ सो वो चीज है, लेकिन लेकिन मतलब ये थोड़ा हो जाता है, मतलब मेरे साथ होता है, लेकिन हाँ मैं उस चीज को थोड़ा अभी अपना सुधार रहा हूँ, बहुत बेकार आता है। पर वो आपका नेचर है कि इज इट बिकॉज ऑफ पोकर? तो नेचर तो नहीं है लाइक आई डोंट नो, मतलब हाँ, आप बोल नेचर रहे तो बकचोदी की फॉल्स है मैंने नहीं कॉलेज है। में. हाँ बहुत, हाँ काफी मतलब मैं बहुत सोशली काफी अच्छा था अपने हाँ कॉलेज टाइम पे, सबसे मिलता था। और मतलब स्कूल टाइम पे भी मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अभी भी हैं जिनसे मैं मतलब बातें करता हूँ, बट वही है कि अभी थोड़ा कम हो गया है, काफी निकलना घर से निकलना कम हो गया है। और लाइक थोड़ा प्रोफेशन भी अलग है तो लाइक दोस्त अपने जॉब्स में बिजी हैं, है ना। श्योर, और मैं हाँ अभी घर पे रहता हूँ अपने, और जो भी मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं तो ज्यादातर लोग लाइक घर मतलब यहाँ नहीं है, हाँ बाहर समझ चले। गया, देव सो शिफ्टेड. वो है कि हाँ लेकिन हाँ बात बात हो जाती है दोस्तों से जो भी लाइक अगर अगर मतलब कभी मन किया, कभी ऐसे थोड़ा है बात करने का मन, श्योर, सो वो सारी चीज है। और वैसे अपना शेड्यूल भी थोड़ा ऐसा रहता है कि अपन 8 बजे ग्राइंड करने बैठते हैं, 8 बजे 7 बजे, और दोस्त मतलब फ्री 8 बजे होते हैं लाइक जॉब से, या तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हाँ ट्राई करते हैं, जैसे अभी लाइक ऐसे मेरा भी प्लान है कि जितने भी मेरे कॉलेज के दोस्त हैं उनके साथ एक बार लाइक ऑनलाइन पोकर खेलने का वीकेंड पे।
अरे भाई वापस हाँ उसको भी काफी पोकर ही खिला रहे हो? अरे यार हाँ आई मीन मतलब अपन काफी खेलते थे कॉलेज टाइम पे, वहां से ही बहुत लाइक थोड़ा हाँ वहां पे लाइव खेलते थे, लाइक लास्ट ईयर में काफी थोड़ा बहुत खेला है काफी। हाँ सो नाइस नाइस। हाँ सो बेसिकली इट्स ऑल्सो द नेचर ऑफ द गेम, बिकॉज अलग चीज है तो यू कैन नॉट, एंड यू प्लस आप उनके साथ ये बातें कर नहीं सकते, उनको समझ में ही नहीं आएगा, तो आपको वो भी एक गैप रहता है कि व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स यू कांट डिस्कस पोकर, सो आई थिंक दैट गैप ऑल्सो कम्स अलोंग। हाँ बट मैं कर लेता हूँ, मैं मतलब उनको थोड़ा सिख मतलब बताता हूँ, लाइक कुछ लाइक वो गए अपने कॉलेज वाले ने तो लाइक लोगों ने खेला है काफी, अच्छा नहीं खेला तो मैंने खिलाया है ऐसा है। तो हाँ और बाकी लाइक कुछ है तो उनको थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि कैसा गेम है क्या है। सो हाँ वो चीज है। फेयर इनफ। बट सोशल सोशल सर्कल की बात की आपने, उससे मेरे को ध्यान आ रहा है PSL, द पॉकेट वीडियो PSL Season 6 यू वर देयर, Season 5 में भी आप थे, यू वर रिटेन हाँ इन फैक्ट, सो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस बीन, और उसमें जेन्युइनली क्या अच्छा था क्या खराब था, अगर आपको कुछ लगे, बिकॉज यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो वहां, लाइक थोड़े दिन तो देने होते हैं एज अ प्लेयर, बट उसमें सोशल सर्कल मिलता है बिकॉज पहली बार पोकर में एज अ टीम खेलते हो, तो हाउ डिड दैट वर्क, यू आर ऑल्सो इन लखनऊ किंग्स विद रियली गुड प्लेयर्स, ऑल ऑफ अंकित वॉज देयर, गौरव सिंह या वॉज देयर, ऑल ऑफ देम, क्या था कैसा था एक्सपीरियंस पूरा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, लाइक आई मीन हम पूरे साल इंडिविजुअली खेलते हैं बट एज अ टीम परफॉर्म करना मतलब बहुत अच्छा रहता है। हमको ये भी देखना है कि मेरी वजह से टीम को इफेक्ट होता है होगा किस पॉइंट्स में, तो उसके हिसाब से अब अपने को थोड़ा रिस्क में भी ज्यादा लेना है कम लेना है, वो सारी चीजें होती हैं। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, क्योंकि गौरव से सीखने को मिला, विशाल बजाज थे हमारी टीम में या है ऑफ ना, कोर्स अंकित से भी सीखने को मिला। अंकित काफी काफी लाइक काफी मतलब काफी ऐसा है कि पोकर मुझे लाइक ऐसा लगता है कि हाँ सिम्स की चीज है, मतलब मैं पहले ऐसे सोचता था क्या कि क्या लाइक सोचे थे, अंक क्या सोचे थे? कि मोर मोर लाइक स्टडी करना है, मोर लाइक हाँ नॉट मतलब थोड़ा ऐसे कह सकते हो कि क्या कहते हैं कि लाइक कि मैं फील नहीं करता था पोकर को, ये है ओके कि हाँ सिम्स देख ली है ना उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली। लेकिन जब एक सेशन हुआ था अंकित वधावन के साथ उनके साथ, तो हाँ उनको फिर पता लगा कि भाई ये बंदा मतलब कुछ भी हो मस्त बंदा है, आराम से लाइक सिखाते भी हैं और फील भी करते हैं गेम को। वो चीज बहुत जरूरी थी उस मतलब उस सेशन से मुझे ये अच्छे से सीखने को मिला कि नाइस हाँ कि ये भी एक एक्सपेक्ट है। और हाँ लाइक सोशली जाके भी लाइक PSL में भी जाके भी ये चीज भी काफी रियलाइज हुई, क्योंकि उससे पहले मैं काफी आइसोलेटेड ही रहता था सिम्स में रहता था, सो वो चीज थी। ओके, वील डिस्कस द बेस्ट मोमेंट दैट यू हैड एट द टेबल, जो फर्स्ट चीज आपको याद आती है, द बेस्ट मोमेंट व्हिच यू एंजॉयड द मोस्ट। I'll say I win a bounty on N8 हाँ and which is very unexpected, मतलब ऐसा भी नहीं था कि मेरा प्लान था ग्राइंड करने का, सैटरडे को ग्राइंड किया था रात में एक टेबल हाँ पे एंड आई विन अ लाइक बिग बाउंटी अराउंड लाइक वेरी बिग लाइक 32 लैक्स 33 लैक्स। वाह हाँ सो वो ओ बहुत मिस्ट्री बाउंटी जीते थे, मिस्ट्री बाउंटी हाँ, अरे भाई हाँ। बट हाँ वो बहुत ऐसा था। और हाँ वो तो चलो ठीक है वो तो लाइक फाइन है, लाइक थोड़ा लकी था इसलिए ऐसा लग रहा है, बट हाँ वो उसमें उस टाइम मेरे को रियलाइज नहीं हुआ था कि मैं इतना ज्यादा अमाउंट जीत गया हूँ उस टाइम पे। पर हाँ उस एक और था मैं बोलूंगा कि एक दिन में मैंने दो दो मेजर टूर्नामेंट शिप किए थे और एक में अड्डा मिलियंस में हेड्स अप डील ली थी। सो ये मैंने सब एक ही दिन दो में हुआ था? हाँ संडे को, संडे को हाँ जो मेन फीचर होते हैं हाँ बाजी का और अड्डा का अड्डा मिलियंस और एक और था कोई, तो हाँ सो मैंने दो टूर्नामेंट शिप किए थे और एक में हेड्स अप डील ली थी अड्डा मिलियंस में विद मुनोत, उनके साथ ली थी आशीष मुनोत। सो मैन, हाँ बट 2 years में यू ऑफ कोर्स यू डन दैट मच हार्ड वर्क, सो दिस इज एक्चुअली फैंटास्टिक, तो काफी क्रेजी है भाई, मतलब बट ओके, लेट्स लेट्स डिस्कस द वर्स्ट पीरियड आल्सो, जो आपको वर्स्ट पीरियड याद आता है। वर्स्ट पीरियड आई मीन रिसेंटली याद आता है कि ओके यू सेड कह कि आपको सकते थोड़ा इट वाज हैवी। हाँ हाँ इट वाज हैवी बिकॉज मैं N8 पे खेल रहा था काफी उस टाइम पे और N8 पे एक सीरीज चल रही थी GG फेस्टिवल हाँ दिस लाइक अप्रैल या मई की बात है, मई जून की बात है। तो इनिशियली मैं उस सीरीज में काफी अप था, लाइक आई वाज अप लाइक 18 लैक या 19 लैक एंड उसके बाद सीरीज में काफी खेला और
आई एंडेड अप लूजिंग 3 लाख मोर, सो करेक्ट, दिस इज अ बिग डाउनसिंग। श्योर श्योर, या सो उसके बाद फिर मैंने 20 दिन का मतलब ब्रेक लिया, क्योंकि घर पे मतलब मेरे मतलब वैसे थोड़ा मतलब क्या कहते हैं लाइक फैमिली वगैरह भी आई थी, मौसी के लड़के वगैरह लाइक कजन्स श्योर, वगैरह भी थे, तो उनके साथ थोड़ा ब्रेक लिया मैंने। फिर उसके बाद फिर मैंने इंडियन साइड्स पे ग्राइंड किया। फिर मैंने मतलब बात की थी लाइक गौरव से भी बात की थी, उनसे भी बात की थी, उनसे पूछा तो उन्होंने मतलब मना ही किया था कि लाइक काफी वेरियंस है वहां खेलने का और इतना फायदा भी नहीं है। सो मैंने टोटली फिर छोड़ दिया लाइक एनएट पे खेलना। तो उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद मैं फिर इंडियन साइड्स पे खेला। तो इंडियन साइड्स पे भी मेरा डाउनसिंग चला, सीरीज भी आई थी, आईपीएम आई थी आई गेस। सो हाँ, तो उसमें भी थोड़ा ज्यादा डाउनसिंग चला। तो टोटली आई नॉट अ गुड थिंक पीरियड, या हाँ, वेरी 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 हार्ड पीरियड फॉर मी। वेरी हार्ड टू गेट सो आउट ऑफ इट ना, वो पीरियड पे लाइक हाउ या यू आर फीलिंग अबाउट योर सेल्फ इज ऑल्सो हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग. और मैं लाइक मतलब मैं जो भी खेल रहा था वो मैं अपने मतलब मैं किसी स्टेबल में नहीं था। श्योर, और हाँ हाँ, सो इट्स लाइक अ बिग बिग डाउनसिंग अराउंड 40 लैक्स। सो इन लाइक 4 टू 4 मंथ्स, 4 या 5 मंथ्स। तो एंड फिर उसके बाद मैं ग्राइंड भी करता था, तो मुझे पता था कि आई एम नॉट लाइक इन अ देर, हाँ यू नॉट देर फुल्ली, हाँ समझ रहा हूँ, मतलब मैं इतना अपना अच्छा मतलब 100% मैं अपने श्योर गुड उसमें नहीं हूँ कि मैं खेल पा रहा हूँ, है ना। और काफी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, सेल्फ डाउट भी था कि शायद हो सकता है ये जीएसटी की वजह से हो रहा हो, ये सारी चीजें भी क्वेश्चन आ रहे या थे। तो फिर मैंने फिर लाइक था फिर मैंने बात 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 की अमित से, बात की, उन्होंने भी मतलब समझाया कि हाँ। तो वो एक थोड़ा अच्छा था वो मतलब उस टाइम के लिए। इवन अभी मैं लाइव खेलने गया था, तो किधर? अभी डीपीटी डीपीटी गया अच्छा था अच्छा हाँ हाँ राइट, ऑफ कोर्स, या वी स्पोक हाँ। अबाउट इट, या सो आई स्पोक विद मिथुन आल्सो, और इन्होंने काफी काफी लाइक मोटिवेट किया, काफी मतलब अच्छे अच्छे समझाया कि हाँ काफी। तो फिर वो बहुत अच्छा था, मतलब मिथुन के साथ इंटरेक्शन करना काफी अच्छा लगा। हाँ आई मीन ऑल दीज आर टॉप हाँ गाइस, टॉप 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 पीपल, बट आई एम श्योर आपका देयर वाज अ गुड अक्टूबर, आई सॉ दिस थिंग, यू हैड अ गुड या टर्नअराउंड या टाइम, देयर वर गुड स्कोर्स, आपने इन द 1 करोड़ गारंटीड, यू हाँ फिनिश्ड ऑन द पोडियम. बिफोर आप खाली सैड स्टोरी बोलो, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि देयर हैज बीन अ गुड स्कोर एज वेल, सत्यम हैज बीन क्रशिंग इट गाइस, ही हैज बीन, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट यार, मतलब वो है पार्ट, एंड होपफुली नाउ नाउ यू मस्ट बी इन अ मोर कॉन्फिडेंट स्टेट फॉर श्योर. या डेफिनेटली लाइक इन लास्ट मंथ आई वाज अपसिंग अप टू ऑफ 20 लाख के अराउंड, तो व्हिच इज वेरी गुड। सो सही है भाई, हाँ मतलब वही बोलो, लोगों को खाली वो स्टोरी मत बोलो, नहीं तो मेरे को बोलो, हाँ बट मेरे को ये बताओ या भाई, आई मीन आई मेड लॉट ऑफ मनी बाय प्लेइंग पोकर। इवन अगर आपको अरे अपसिंग की स्टोरी सुननी है, तो इन जनवरी आई मेड लाइक 80 लैक्स इन ऑन एन एट ऑन एन एट तो लाइक वही है कि किसी दिन अप हो किसी दिन डाउन हो। श्योर सो श्योर, हाँ, वो स्विंग्स, लेकिन जब वो स्विंग्स आते हैं तब स्विंग्स थोड़ा, स्विंग्स बहुत बड़ी होती हैं। हाँ या तो वो थोड़ा एक, वो जो आपको वो जब वेरिएंस आता है तो आपको वो मैनेज करने का थोड़ा मुश्किल होता है, बट फेयर हाँ इनफ. मुझे ये बोलो आप टर्न ऑफ कैसे करते हो फिर, करते ही नहीं हो ना लाइफ में, वो पोकर से टर्न ऑफ होता है कि नहीं होता है, कि ऑलवेज ऑन जोन में ही रहते हो? लाइक करता हूँ थोड़ा बहुत। लाइक मेरा सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस होता है कि ग्राइंड करके मम्मी से बात करना, उनसे थोड़ा बात करना, मजाक करना, वो सारा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा है कि वेब सीरीज देखना, कुछ हाँ कुछ मूवीज देखना, आई थिंक वो काफी काफी थोड़ा थोड़े टाइम के लिए थोड़ा माइंड या नॉट अ डाइवर्ट लॉट करता बट है। ना, हाँ, सो वो चीज भी है। तो हाँ, मोस्टली तो मैं अपने मतलब फैमिली से बात करता हूँ, उनसे उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, अगर लाइक सेशन खत्म होता है उसके बाद। हाँ, बट इनिशियली बहुत मुश्किल होती थी। इनिशियली जब मैं अपने डाउनसिंग में जाता था तो काफी चिड़चिड़ा रहता था, काफी किसी से बात नहीं करता था, अपना लाइक अपना एंगल किसी और पे नहीं करता था। तो ये सारी लाइक बहुत मतलब ऐसा हो जाता है, काफी बार होता है श्योर मतलब। तो इनिशियली तो मुझे इतना पता भी नहीं था कि कैसे क्या है, क्या सही है क्या गलत है, जो मन में आता था वो करता था। तो उस टाइम पे हाँ आई फील आई रिग्रेट कि हाँ मतलब मैं ऐसा करता था। नहीं, फेयर इनफ, पार्ट ऑफ द जर्नी. मैं उसके बात करें तो सत्यम भाई, मनी मैनेजमेंट पे आते हैं, हाउ डू यू मैनेज, देख हाउ मच, ओके वेट बिफोर दैट, हाउ मच मनी इज इनफ मनी,
बिकॉज यू डन ऑल द कॉल्स विथ पोकर किया है, स्टॉक मार्केट किया है बंदे ने, सब किया, क्रिप्टो भी आई एम श्योर आपने कुछ डैबल तो किया ही होगा क्रिप्टो में भी, तो हाउ मच मनी इज इनफ मनी फॉर यू टुडे इफ यू हैव टू पुट अ नंबर? फॉर मी आई विल से लाइक 15 CR आई गेस। हाँ तो मतलब बेसिकली 15-20 जनवरीज वी नीड, दैट्स ऑल. हाँ बट लाइक बट हाँ मतलब मैं वैसे ऐसे गोल्स नहीं मतलब बनाना पसंद नहीं करता कि हाँ इतना पैसा है काफी है। करेक्ट, बट हाँ मतलब वैसे तो अभी भी लाइफ अच्छी चल रही है, पहले से तो बहुत बेटर है, मच बेटर है। और वही है कि लाइक आई जस्ट वांट टू प्ले पोकर और सबसे अच्छा क्वालिटी का पोकर खेलना चाहता हूँ और सबसे अच्छे स्टेक्स खेलना चाहता हूँ जो जिसमें मैं प्रॉफिटेबल हूँ। ऑब्वियसली यू कैन नॉट प्ले लाइक इवन दो यू अगर आप पे काफी पैसा भी हो यू कैन नॉट प्ले लाइक 5Ks श्योर.1Ks है ना। यू नीड टू बी गुड इनफ टू बीट द फील्ड और इंडिया में तो स्टिल डिसेंट है लेकिन बाहर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बाहर लोग या ऑफ एफर्ट कोर्स, डालते हैं, काफी या एफर्ट डालते हैं। तो हाँ सो वो चीज है। तो मेन तो यही गोल है कि किसी दिन टाइटन में बैठ के आ ये मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द गोल. बट आप अच्छा, आपने WSOP तो ऑफ कोर्स होगा ही, बट हमसे ट्राइटन में बैठ के खेलेंगे हाँ कैरफ्री, वो भी एक अच्छा गोल है होना. करेक्ट. हाँ मतलब वही है कि लाइक टाइटन में कोई सीरीज ग्राइंड कर रहा है, ये हो गया तो फिर भाई एंड 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 है फॉर उसके ऊपर कुछ है ही नहीं एट द मोमेंट. बट सो यू ऑनली 23, डू यू मैनेज योर मनी इन टर्म्स ऑफ, आप कुछ इन्वेस्टमेंट के ऊपर डू यू हैव दैट नॉलेज एज येट? डू यू लुक इनटू दैट पीस कि आप वो नहीं देखते हैं? हाँ मैं करता हूँ इन्वेस्ट लाइक बट अभी इतना इतना लाइक पहले काफी था लाइक जब मैं स्टॉक मार्केट कर रहा था, बीच में मैंने किया है। सो लाइक म्यूचुअल फंड्स में मैं काफी इन्वेस्ट करता हूँ मेनली तो, और क्रिप्टो SIPs. में अभी तक नहीं किया मैंने, ओ, नहीं किया, नहीं किया. ओके. नहीं किया। हाँ और मोस्टली तो यहाँ म्यूचुअल फंड्स में किया है, थोड़ा स्टॉक में किया था बट फिर मैंने बट विदड्रॉ डू यू डू किया। लाइक अ रेगुलर थिंग एवरी डे, एवरी मंथ फ्रॉम योर इनकम सर्टेन अमाउंट यू मैनेज टू पुट इन SIP? इज दैट व्हाट योर प्लान इज कि आप कुछ, मैं वही पूछ रहा, कुछ बैलेंस है या कि हाँ इट्स जस्ट आई रैंडमली? मीन हाँ मैंने काफी बात की है लाइक ऐसे नीरू नीरू हैं जो नीरज जो कि आई नो काफी काफी या गुड फ्रेंड है मेरे, तो वो भी बोलते हैं कि हाँ ये करना चाहिए। मैंने इनिशियली किया भी था और करता भी था बट फिर डाउनसिंग आ गया फिर थोड़ा आपके आपके पास SIP का वो क्या है कि यू हैव द टाइम एडवांटेज बिकॉज यू आर वेरी यंग, राइट? सो इफ यू हाँ स्टार्ट वेरी यंग यू सो गेट अ हाँ लॉट ऑफ मतलब टाइम का एडवांटेज. मुझे फिर ये भी फील होता है कि मैं काफी यंग हूँ तो थोड़ा रिस्क भी ज्यादा ले सकता हूँ, तो मैं इतना वो नहीं करता। बट हाँ इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो मैं कभी बैंक में नहीं रखता या फिर साइट्स पे नहीं रखता, जितना जरूरत है उतना रखना है, बाकी का मैं हमेशा इन्वेस्ट कर देता हूँ। नहीं तो लाइक या फेयर इनफ, फेयर इनफ. डन डन. ओके, लास्ट क्वेश्चन, हु इज द रोल मॉडल टुडे? हु इज योर रोल मॉडल राइट नाउ, और डू यू, हूएवर यू लर्न फ्रॉम, जो आपको अच्छे लगते हैं सीखने का, जिनसे इंडियन पोकर सीन में से? हाँ तो या मैं तो बोलूंगा अनुज क्योंकि उनसे सब कुछ सीखा है मैंने, नाइस. और अनुज और गौरव, गौरव से भी काफी सीखा है। हाँ सो ये दो है मतलब मोस्टली तो अनुज जी क्योंकि उन्होंने ही मतलब इनिशियली जो थॉट प्रोसेस जनरेट कर मतलब जो कैसे सोचना होता है वो उन्होंने ही मतलब बताया है कि हाँ हाउ टू थिंक अबाउट द स्पॉट एंड ऑल। सो या फेयर इनफ. थैंक यू सत्यम भाई, आपने मतलब अच्छी तरह से डिटेल में बताया, और आप यू बीन वेरी फ्रैंक, आई लव दैट पार्ट. आपने से कुछ यू नो, यू नॉट बीन दिस थिंग अबाउट इट कि हाँ जो है वो बताया, तो दैट इज वेरी दिस थिंग. थैंक यू सो मच भाई, आई होप आपको भी मजा आया, एंड होपफुली दिस विल बी अ स्टोरी व्हिच एवरीवन विल लव टू हियर. यार थैंक यू सो मच. थैंक यू पार्थ, नाइस टू मी मतलब नाइस टू बी विद यू। एंड हाँ मैं मतलब काफी इंट्रोवर्ट हूँ अभी फिलहाल तो हूँ नहीं, अभी सो आप इट्स अभी फैल वेरी गए हो भाई, अभी पॉडकास्ट में फैल गए हो भाई, अभी प्रॉब्लम नहीं है. जब नंबर्स आने लगते हैं मतलब आदमी रिलैक्स हो गया हाँ मतलब ये है कि थोड़ा मतलब मैं शायद मतलब अभी के लिए हूँ फिलहाल के लिए उस चीज पे मेरे को वर्क करना है। सो है. हाँ थैंक बट इज यू।
स्ट्रीम करो यार, एक दिन डुअल स्ट्रीम करना, कभी मजा आएगा। दो आई एम श्योर इट्स नॉट वेरी पॉजिटिव फॉर यू, प्लस ईवी फॉर यू टू स्ट्रीम, बट जस्ट कभी नहीं, आउट ऑफ एक फन टूर्नामेंट करेंगे। करना तो क्या ही है भाई, ठीक हाँ है। कभी करेंगे, एक मजा आएगा, इट विल बी अ लॉट ऑफ फन। आप भी एक्सपीरियंस करो, एंड हाँ इफ ये डुअल स्ट्रीम है तो यू नो प्रेशर नहीं होगा, शांति से बात कर सकते हैं, मजा आएगा, और हम भी कुछ सीख हाँ लेंगे, हमारा भी आइडिया मतलब हो जाएगा। वो ज्यादा लाइक अच्छा कंटेंट रहेगा या लोगों के लिए। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली, सही है, ठीक है सत्यम, थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू पार्थ, बहुत मुझे तो काफी मजा आया करके।